नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार सरकार, वेलकम बैक टू माय चैनल गार्डन रूफटॉप। दोस्तों आज मैं ये आप देख रहे हैं मेरे सामने, एक तो है मस्टर्ड केक, दूसरा जो है सुपर फॉस्फेट, ये दोनों दो जो है फर्टिलाइज़र, ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र। ये इसका जो मेन यूज़ और इसको यूज़ करने से क्या होता है, इसका व्यवहार कैसे करेंगे, ये पूरा जानकारी जो है इस वीडियो में मैं आपको जानकारी दूंगा। तो दोस्तों ज़्यादातर मतलब क्या ना, अक्सर देखा जाता है कि ये मस्टर्ड केक जो मतलब लोग जो है गलत इस्तेमाल कर देते हैं और पौधा जो है ख़राब हो जाता है। तो दोस्तों इसका सही तरीका क्या है इस्तेमाल करने का, वो पूरा जानकारी मैं दूंगा। तो दोस्तों बने रहिए, पूरा वीडियो देखिए। पूरा वीडियो देखने के बाद अगर आपको अच्छा लगा तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरा जो चैनल है इसको सब्सक्राइब कीजिए। आप अगर नए विजिटर्स हैं तो ज़रूर उसको सब्सक्राइब करके घंटी का बटन भी आप दबाइए और साथ में ऑल बटन्स को भी प्रेस कीजिए, ताकि जैसे मैं नया वीडियो अपलोड करूँगा आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिलेगा, आप उसको साथ साथ देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो देखिए ये जो मस्टर्ड केक है, ये पहले मैं मस्टर्ड केक के बारे में बात करूँगा। ये मैंने ऑनलाइन मंगाया, गो गार्डन का ये कंपनी है, तो ये बहुत ही अच्छा है। ये 500 ग्राम का है। पहला जो है मैं आप देखिए, ये जो मस्टर्ड केक है ये ऑर्गेनिक है। ये जो सरसों है, सरसों का तेल निकालने के बाद, ये देखिए ये तेल निकालने के बाद जो एक्सट्रैक्ट है, ये तेल निकालने के बाद जो बच जाता है उसी को जो है ये केक तैयार किया जाता है। तो दोस्तों ये मस्टर्ड केक जो है ये बहुत ही अच्छा फर्टिलाइज़र है, ये ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र है और ये NPK मतलब नाइट्रोजन फॉस्फोरस एंड पोटाशियम, ये तीन छोड़ के इसमें माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी अवेलेबल है। तो दोस्तों ये ओवरऑल प्लांट्स ग्रोथ के लिए बहुत ही अच्छा है। अगर आप मतलब क्या ना इसके NPK के साथ तुलना करेंगे तो ये NPK ही है। ये जो मस्टर्ड केक है ये बिल्कुल जो है आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, और अगर जानते हैं तो ठीक है, अगर नहीं जानते कैसे इसको इस्तेमाल किया जाता है, कैसे इसको आप मतलब प्लांट्स को फीड करेंगे। तो दोस्तों पहला बात तो जो है ये NPK मतलब इसका जो रेशियो है, ज़्यादातर ये नाइट्रोजन होता है इसमें, फॉस्फोरस और पोटाशियम का भाग जो है वो कम होता है। तो जो रेशियो है दोस्तों इसका 4:1:1, तो ये रेशियो, इस रेशियो से इसके अंदर जो है जो न्यूट्रिएंट्स है वो अवेलेबल है। अगर आप सही ढंग से इसको इस्तेमाल करेंगे तो आपका प्लांट्स जो है वो बिल्कुल हरा भरा रहेगा और अच्छा मतलब ना इसका ग्रोथ होगा। तो दोस्तों इसका उपयोग जो है, इसका सारे मतलब कहना जितने आपका वेजिटेबल्स में भी, वेजिटेबल प्लांट्स में भी और फ्लावर प्लांट्स में भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों ये जो इसका जो यूजेस है, आप कैसे इसको यूज़ करेंगे मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों ये जो 5 लीटर का पैकेट आप देख रहे हैं, ये सॉरी 500 ग्राम का पैकेट आप देख रहे हैं, ये 500 ग्राम पैकेट ये जो है इसको आप 15 लीटर पानी में आप 24 घंटे भिगो के उसका जो पानी है आप प्लांट्स को दीजिए। तो दोस्तों हमारे पास तो इतना प्लांट्स नहीं होता है, तो इसलिए आप जिस प्लांट को आप चुनेंगे जितना होगा उतने क्वांटिटी हिसाब से मतलब कहना, जैसे ये 100 ग्राम मतलब 3 लीटर पानी में, 100 ग्राम जो है 3 लीटर पानी में अगर आप डाल के इसको भिगो के रखेंगे फिर इसको जो है जैसे 24 घंटे जाने के बाद, जैसे अभी शाम को भिगो के रखा है तो कल शाम को जाके आप इसमें पौधे में इसका जो है आप इसको उस पानी को इस्तेमाल कीजिए। तो पहले जो है दोस्तों थोड़ा थोड़ा इसको इस्तेमाल कीजिए पौधे में, जैसे ही मतलब कहना आपको रिस्पॉन्स मिलेगा फिर इसको थोड़ा क्वांटिटी जो है बढ़ाएंगे। मतलब जितना अगर आप एक पौधे में अगर 1 कप पानी डालेंगे तो उसमें उसके बाद 1 हफ्ते के बाद आप अगर 1.5 कप आप डालें, फिर 2 हफ्ते या 3 हफ्ते के बाद आप उसमें 2 कप डालें, तो ऐसे करके जो है आप इंक्रीज़ कर सकते हैं इसको जो यूज़ है। तो दोस्तों जो पौधे हैं, जैसे फ्लावर प्लांट्स है, आपका वेजिटेबल प्लांट्स है, ये सारे पौधे में मतलब कहने सभी फ्रूट प्लांट्स है, आप सभी पौधे में इसको इस्तेमाल कर सकते हैं और ये बहुत ही मतलब कहना इसका जो यूजेस है ये बहुत ही अच्छा है। प्लांट्स को जो है हरा भरा बनाता है और प्लांट्स का जो ग्रोथ बिल्कुल जो है बढ़िया हो जाता है। तो दोस्तों मस्टर्ड केक जो है, मैं फिर बता रहा हूँ कि ये 500 ग्राम है, ये 15 लीटर पानी, इसके मतलब
आप 3 लीटर पानी में जो है 100 ग्राम आप इसमें डाल के भिगो के रखेंगे, और उसमें अगर 100 ग्राम पानी 100 ग्राम जो है आप 3 लीटर पानी में डालने के बाद जितना बनता है उसको आप और 5 लीटर पानी उसमें ऐड कर दीजिए, उसके बाद पूरा जो प्लांट्स है आप उसको दीजिए। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपका जो मैंने जो बताया यूज़ कैसे करना है आपको समझ में आया। तो दोस्तों इसके बारे में मतलब यही ख़त्म करता हूँ। दूसरा जो है दोस्तों ये सुपर फॉस्फेट है, तो ये सुपर फॉस्फेट जो कि बहुत ही एक और एक ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र है जो कि ये ग्रैनुल से बनता है, मतलब कोई रॉक्स जो है पत्थर जो है उसी में से और मतलब कहना इसको बनाया जाता है। तो इसमें जो है दोस्तों ये बहुत ही रिच इन फॉस्फोरस होता है, तो इसमें जो है ये रिच इन फॉस्फोरस है, मतलब इसमें फॉस्फोरस ज़्यादा है। जैसे इसका रेशियो है 0:19:0, तो मतलब इसमें अगर 19 भाग अगर फॉस्फोरस होगा तो फिर उसमें 0:0 नाइट्रोजन एंड पोटाशियम होगा। तो दोस्तों इसलिए ये फॉस्फोरस इसमें बहुत रिच इन फॉस्फोरस होता है, और ये पौधे के लिए, पौधे का रूट्स डेवलपमेंट के लिए, पौधे का स्टेम डेवलपमेंट्स के लिए और ओवरऑल पौधे का भी डेवलपमेंट्स के लिए ये बहुत ही यूज़फुल है। तो दोस्तों ये फ्रूटिंग के लिए और फ्रूटिंग आने के लिए मतलब ये जो है फॉस्फोरस जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये फॉस्फोरस जो सुपर फॉस्फेट, और फ्लोरिंग के लिए भी ये बहुत ही अच्छा है। ये जो है फोटोसिंथेसिस करने के लिए पौधे को हेल्प करता है, और पौधे में शुगर और प्रोटीन जो है पहुंचाता है, जैसे शरीर में जैसे हमारे खून के द्वारा जैसे सारे पूरे बॉडी में जैसे हमारा सब कुछ पहुंचता है, वैसे ही जो है ये सुपर फॉस्फेट क्या है, ये पूरे जो है प्लांट्स को जो है शुगर और प्रोटीन जो है पहुंचाता है। तो दोस्तों इसी के कारण पौधा जो है बिल्कुल मतलब जो है ना जैसे स्टेम उसका मजबूत होता है और जड़ भी मजबूत होता है, नया ग्रोथ भी होता है जड़ का, मतलब रूटिंग होता है। तो ये सारा जो है दोस्तों ये सुपर फॉस्फेट एक बहुत ही अच्छा ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र है। तो दोस्तों इसका जो यूज़ है मैं बताता हूँ, इसका यूज़ करेंगे कैसे, इसको यूज़ करना है इसको, एक तो वेजिटेबल प्लांट्स में भी, फ्रूट प्लांट्स और फ्लावरिंग जो फ्लावर प्लांट्स है उसमें भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों इसका जो आप जो चम्मच देख रहा है ये टीस्पून, इसका हाफ टीस्पून 1 लीटर पानी में जो है आप इसको डालेंगे, जैसे ये हाफ टीस्पून हो गया, 1 लीटर पानी में डाल के इसको, ये वाटर सॉल्युबल होता है दोस्तों, ये एक लीटर पानी में हाफ टीस्पून डाल के आप इसको ये घोल के डाइल्यूट करके इसको आप पौधे में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों इसमें 1 लीटर पानी जो है उसमें आप हाफ टीस्पून डाल के आप इसको इस्तेमाल कीजिए, जैसे फूटिंग के पहले, अगर फ्लोरिंग के पहले इसको हाफ स्पून, जैसे ही मतलब बर्ड्स आना या फ्रूट आना शुरू कर देता है तब इसको आप थोड़ा सा क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं, उसमें 1 स्पून कर सकते हैं, और अगर फ्रूटिंग के बाद फ्रूट जो है उसको पकने के लिए हेल्प करता है ये फॉस्फोरस, तो उस टाइम जो है दो से तीन स्पून तक आप पौधे के हिसाब से, ये आपका जो पॉट के साइज़ के हिसाब से आप 2-3 स्पून भी आप पानी में घोल के उसको दे सकते हैं। तो दोस्तों इसके लिए ये जो फॉस्फोरस है ये बहुत ही मतलब कहना ये सुपर फॉस्फेट रिच इन फॉस्फोरस, मतलब इसमें फॉस्फोरस ज़्यादा होता है, तो ये बहुत ही प्लांट्स का जो है एक अच्छा फर्टिलाइज़र है प्लांट्स के लिए। इसको आप इस्तेमाल करेंगे तो जो इस्तेमाल का पद्धति है मैंने बता दिया, ये हाफ टीस्पून 1 लीटर पानी में घोल के आप पौधे में दीजिए, मतलब जितना बड़ा पौधा है उसी हिसाब से आप पौधे में डालिए, जैसे 1 कप हो, 2 कप हो, या पौधा ज़्यादा बड़ा है तो 3 कप हो, तो ऐसे करके जो है आप इसमें पौधे में डालेंगे तो आप बहुत ही मतलब इसका जो रिज़ल्ट अच्छा मिलेगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये जो सुपर फॉस्फेट है आप इसको सही इस्तेमाल करेंगे तो आपका जो पौधा है वो फल और फूलों से भर जाएगा। अगर आप इसको सही इस्तेमाल करेंगे तो आपका गार्डन का जो फ्लोर है वो भी बहुत ही अच्छा फ्लोरिंग करेगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप लोग जो है इसके बारे में भी आपको कोई डाउट नहीं रहा, अगर कुछ डाउट है तो आप अपना मेरा कमेंट्स बॉक्स पे आप लिख सकते हैं, तो मैं उसका रिप्लाई करूँगा।
तो थैंक यू दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे एक नए जानकारी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड हैप्पी गार्डनिंग। थैंक यू दोस्तों।